पंजाब सरकार के पंजवें इन्वेस्टमेंट समिट का अज पहला दिन है। पहले दिन सीएम की स्पीच भी हुई और जेड़े भी निवेश करना चाहते हैं वो कंपनियां ने भी आपो अपने पक्ष रखे। किस तरह की उम्मीद है इस इन्वेस्टमेंट समिट तो पंजाब सरकार में इस बारे गलबात करने के लिए साढ़े नाल पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह मौजूद है। मंत्री साहब, पहले दिन के समिट के पहले दिन में किन्हां शब्दों से समअप कर दो की कंक्लूजन तुसीं पहले दिन का कढ़ दिओ? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर दीआं वी गल्लां सुणीआं ते सीएम दीआं बहुत पॉजिटिव है जी। जिहड़े जिन्ने भी मतलब इत्थे इंडस्ट्री कैप्टनज आए दे आर वेरी पॉजिटिव एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जो सरकार दे ट्विन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट्स आणगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी और कंपनी का रेवेन्यू भी आएगा। सो मैनूं लगदा वी इट्स अ वेरी ब्राइट डे एंड इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर पंजाब एंड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। एक होर चीज़, जिहड़े इन्वेस्टर्स आए ने सरकार नज़र रख रही है भी किहड़े वड्डे इन्वेस्टर्स आ के पंजाब दी स्टेट दी इकोनॉमी नूं चला सकदे, की होप्स की हैगियां ने? किहड़े वड्डे प्लेयर्स हैगे जिहड़े तुहानूं लगदा कि पंजाब दे विच ज़्यादा इंट्रस्ट जिन्हां दा तुहानूं नज़र आया? जिस तरह एक मिसाल के तौर पर मैदानता ग्रुप के जिहड़े डॉक्टर नरेश ने उन्होंने कहा कि वो मैदानता ग्रुप पंजाब च आ सकदा, इस तरह होप्स उम्मीदां कित्थे ने सरकार नूं? देखो, मैदानता वालों ने कहा असीं इत्थे जिहड़ा नैक्सट वड्डा हॉस्पिटल है पंजाब च खोलांगे। असीं इस तरह ही बहुत सारे जो सारे फार्मा इंडस्ट्रीज तो जो मेरे ना रिलेटेड है वो भी अपनी एक्सपेंशन करनी चाहते हैं, नवे यूनिट लगाना चाहते हैं। और इस तरह जो थोड़े जिम्मे गोदरेज तो उन्होंने तो गोदरेज नानसी पटियाले निकल आए जी। सो बहुत सारे जो आए हुए उन्होंने पंजाबी कनैक्शन है, उन्होंने पेरेंट्स बहुत सारे दे हेल फ्रॉम बेसिकली उन्होंने जो बी एन ए पंजाबी है एंड दे आर ऑल विलिंग टू इनवेस्ट इन पंजाब। आई टी सी वाले भी थे, सी आई आई तो लोग लोग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज तो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोग थे, मतलब कारगिल वाले भी सी और मरुकम भी सी, बहुत सारे जो ग्रुप है गया देखा भी स्टेज के उत्ते किन्ने सीगे, बाकी नीचे जो बैठे देर इन हंड्रेड्स। सो इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग। आई थिंक कहने होंगे वेल बिगन इज हाफ टाइम, तो शुरुआत बहुत अच्छी है। जो नैक्सट 24 आवर्स है तुहाडे को हैल्थ मिनिस्ट्री हैगी है, मैदानता ग्रुप तो इलावा हैल्थ सैक्टर के उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब के कुछ बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं या पंजाब के वड्डी हैल्थ सैक्टर की इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार का व्यू पॉइंट की है? देखो जी, जो हैल्थ सैक्टर है फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जिम्मे हम नवे साढ़े आम आदमी क्लीनिक बन रहे हैं और जोड़े साढ़े सी एच सीज है, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर, सब डिविजन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारे अपग्रेड हो रहे हैं, मैडिकल कॉलेज टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जोड़े है उन्होंने टॉप गियर करता, 16 मैडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सैक्टर है साडा, ये मैडिकल टूरिज्म भी आएगा, होलिस्टिक हैल्थ केयर आएगी, वो साढ़े जिम्मे योगा शुरू होएगा, वो जो है नैचुरोपैथी के सेंटर भी शुरू होंगे। सो ये मतलब दिस इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सैक्टर, सो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएगी और क्योंकि जी हैल्थ हैगी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो एंड फॉर द स्टेट आल्सो फॉर द इकोनमी आल्सो। जिहड़े इन्वेस्टर्स दे नाल तुसीं गलबात कीती है, क्योंकि सरकार बदली है, पहली तुहाडी सरकार दे विच पहला इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, सरकार बदली है, इस बदले हुए सिस्टम इकोसिस्टम नूं इन्वेस्टर किवें देख रहे और उन्हां दे खदशे की हैगे ने या उन्हां दे इंट्रस्ट की हैगे ने? कई बार हुंदा भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता पर वो अपने मुताबिक माहौल देखता है ना, वो की उन्हां दा व्यू की हैगा इस चीज़ से? देखो, जिन्ने स्पीकर भी बोले उन्होंने कहा सानू तां गल जच गई, मान साहब का लहजा भी और उन्हों का काम करने का तरीका भी और जोड़ा नवा इनवायरमेंट है जी नवी पॉलिसी है वह भी जच गई उन्होंने, वो कहते असं इनवैसट करा उ बहुत पॉजिटिव है। किसी ने कोई ग्रेजुअली का गल सी नहीं, कोई किसी ने कोई यही कहा सूँ कोई तकलीफ है, उन्होंने कहा भी सूँ पहले ना बहुत चेंज हो गया, पहले सूँ तंग करते हिस्सा मंगते सारे चले गए, हूँ जोड़े लोग है सिर्फ ये चाहते भी दसो इंपलायमेंट कि होगी, रेवन्यू कि आएगा, हूँ थोड़ा कोई तंग नहीं करता भी सूँ कोई हिस्सा नहीं मंगता कोई। जी सरकार दावा कर रही है कि असी मतलब की कहते हैं भी बहुत ईजी जरा क्लीयरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और जोड़े क्लीयरेंस होंगे ने बहुत ज़्यादा है ना, एन ओ सीज का इशू चुकया या होर कई सारे वो बहुत सौखा कर दिता जाएगा, इस चीज़ में लैके इन्वेस्टर की सोचते हैं? बहुत अच्छा जी, उन्होंने सिंगल विंडो करता भी जो अभी इंडस्ट्री लानी है थोड़ा जो स्टैंप पेपर ही ग्रीन होएगा, जो तुम एक बार अप्लाई कर दोगे सारी सारे बंदे उत्थे जाएंगे, मतलब इनवायरमेंट वाले भी, फॉरेस्ट वाले भी, लोकल बॉडीज वाले भी, सी एल यू सारा कुछ उत्थे होएगा, थोड़ा सिंगल विंडो होएगा, एक नाले हैंड होल्डिंग करेंगे, ट्रांसफर की ड्यूटी लगा देंगे, वो जो इंडस्ट्री चलने लग जाएगी उस तो बाद भी उन्होंने ध्यान रखेंगे, उन्होंने किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें सिर्फ एक बार सोचना और कहना अपनी जमीन एक्वायर करनी, उस तो बाद काम करो अपना निश्चिंत होकर, थोड़ा कोई बॉदर नहीं करेगा। सेशन बलबीर सिंह पंजाब के सेहत मंत्री जिहड़े कर जिन्होंने दावा किया है कि इन्वेस्टर बहुत उम्मीद के नाल इस इन्वेस्टमेंट समिट को देख रहे हैं, आस है सरकार के नुमाइंदों की वड्डी इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विच जरूर आएगी।
कैमरामैन अनिल दिनाल, अमिल पाटिया, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।